पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार के जरिए हुकूमत को वॉकओवर देना चाहती है। अपोजिशन के दो सदारती उम्मीदवार अपोजिशन के लिए भी अच्छे नहीं, रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। शहर गुल में सदारती इलेक्शन की हलचल, अपोजिशन के दोनों सदारती उम्मीदवार लाहौर में सरगरम। सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी की वोट इकट्ठे करने की अपनी कोशिशें, अभी तक अपोजिशन जमातें मुतहदा उम्मीदवार लाने में नाकाम। सदारती उम्मीदवार पर नून लीग और हलीफ जमातें डट गईं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने का अज़्म। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट खामोश करके पीटीआई को फायदा दिया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दस्तबरदारी के लिए पीपी को 11 जमातों को एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, जिस जमात की हिट लिस्ट पर खुद मैं हूँ, किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकता हूँ। अपोजिशन का एक ही सदारती उम्मीदवार लाने की जिद्दोजहद जारी है। मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने की सर तोड़ कोशिशें करेंगे हमजा शहबाज। इजलास में मौलाना की कामयाबी की दुआ की, हलवा भी इकट्ठे खाया। वोटिंग में पीपल्स पार्टी ने पहले हिस्सा ना लिया, अब उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी अपील है कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे। ख्वाजा साद रफीक। पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान की सदारती दौड़ से दस्तबरदारी की उम्मीद। पीपल्स पार्टी सदारती उम्मीदवार चौधरी एतजाज अहसन सबसे बेहतर हैं। अगर मौलाना मान जाएं तो एतजाज सदर बन सकते हैं। कमर जमान कायरा बोले, सियासत में मुआफी नहीं होती, मुआफी का सिलसिला चल निकला तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से मुआफी मांगना पड़ेगी। अपोजिशन मुतहद नहीं मगर बाजिश उस पर एक पेज पर होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की पीटीआई के बल्दियाती अराकीन से मुलाकात। पंजाब के फरसूदा बल्दियाती निजाम की जगह बेहतरीन सिस्टम लाएंगे। किसी रुकने असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे, सबको यकसा हकूक देंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। NA 131 का जिम्नी इलेक्शन, वलीद इकबाल की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। कहते हैं सख्त मुकाबला होगा, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। वजीर आजम इमरान खान के हर हुक्म की तामील की है और आइंदा भी करूंगा। मैं पार्टी का एक कारकुन हूं, मैंने 40 साल पार्टी की खिदमत की है, मेरा ये हक भी बनता है। एक आदमी अपने इलाके से इलेक्शन हार जाता है, मेरा ख्याल उसको कोई हक हासिल नहीं है, वो अपना इलाका छोड़कर किसी और जगह से जाकर इलेक्शन लड़े। NA 124 में जिमनी इलेक्शन, नून लीग के साबिक सदर हाजी अनीफ भी मैदान में आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी और आबिद शेर अली के नामों पर तहफुजात का इजहार। पार्टी कयादत से अंदरून शहर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की अपील। मिशन ब्यूटीफुल लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर बल्दिया उजमा का बड़ा ऑपरेशन। हॉल रोड से 20 बड़े और 10 छोटे साइन बोर्ड उतरवा दिए। अदालत ने मॉल रोड और हॉल रोड से होर्डिंग्स उतराने का काम हुक्म दिया था। कॉरपोरेशन अमले को दो हैकल बोर्ड उतारने में मुश्किलात का सामना, ताजरों की इमलाक को नुकसान पहुंचने लगा। पख्तून खानदान के शनाख्ती कार्ड ना बनाने का मामला। वजीर आजम की हदायत पर चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मेमन की मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल सुने, हमें दफातर से निकाल दिया जाता है, सौतेली माँ जैसा सलूक होता है। पख्तूनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन नादरा की मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। अफगान खानदानों के लिए खसूसी सेंटर कायम करने का फैसला। चेयरमैन नादरा की RTS क्रैश होने की तरदीद। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग सिस्टम बना दिया, जिमनी इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। उस्मान यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वाकियत की इंतहा, एक और नन्ही जान दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। बंद रोड के इलाके में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, लवाहिकीन का बच्चे की लाश बाबू साबू चौक में रखकर शदीद एहतजाज। 5 घंटे बाद मुजाहिरीन और पुलिस हुकाम के दरमियान मुजाकरात कामयाब, गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मेरिट पर तफ्तीश की यकीन दहानी। शहर का दाखिली प्वाइंट 5 घंटे से ज्यादा तक बंद रहा, एहतजाज के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रही। दोस्त ने पैसों की खातिर दोस्त को कत्ल कर दिया, कोट लखपत में खालिद नामी नौजवान के अगवा का ड्रॉप सीन, 2 रोज बाद लाश बरामद। 29 साला खालिद को उसके दोस्त समर खान ने कत्ल किया, पुलिस मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। डिफेंस बी ब्लॉक से मॉडल गर्ल अनम तनोली की लाश मिलने का मामला, पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। जिस्म के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए, लवाहिकीन ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया। महकमा हेल्थ में तब्दीली, पंजाब भर में हेल्थ काउंसिल का बजट बंद, हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, हुकूमत ने आइंदा के लिए डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पंजाब के पसमानदा 19 अजला में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के इजरा की मंजूरी, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद को मालियाती तहफ्फुज फराहम किया जाएगा, सूबाई वजीर सेहत, लैया में खसरे से अमवात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। शादमान इतवार बाजार में नाकिस इंतजामात, वॉक थ्रू गेट्स खराब, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, क्वालिटी नाकिस। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी में उखाड़ पिछाड़, 15 मॉडल बाजारों के सुपरवाइजर और 9 सिक्योरिटी गार्ड्स का तबादला कर दिया गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही, शादरा मेट्रो बस स्टेशन के बरकी जीने 3 माह से खराब, ख्वातीन और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात, सीढ़ियां चढ़ने से कासिर। नाकिस कुल्फियां बनाने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां तेज, लाहौर रीजन में 57 प्रोडक्शन हाउसेस की चेकिंग, 10 सील 15 को जुर्माने, 25 प्रोडक्शन यूनिट को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। दरख्त लगाओ मुल्क सरसब्ज बनाओ, पंजाब रेंजर्स की जानिब से शजरकारी मुहिम, विंग कमांडर कर्नल रिजवान उमेर ने गोंदी सेक्टर में पौधा लगाया, 14 विंग अलबदर की जानिब से 15,000 पौधे लगाए गए। सूबाई वजीर बराए आपाशी सरदार मोहसिन लुगारी ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी में पौधा लगाया, सूबाई वजीर जंगलात सप्तैन खान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम में शरीक हुए। पुराने लाहौर से नए लाहौर तक का नजारा, डबल डेकर बस के किराए बढ़ाने का फैसला, किरायों में इजाफे के लिए कमेटी तश्कील, बस पर स्टूडेंट्स के लिए किराया 100 रुपए और बुजुर्गों के लिए फ्री है। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का मामला, 2 माह में 2 मादा जराफे हलाक, अमवात कैसे हुई, इंतजामिया की गफलत या मौत तबई थी, 22 जुलाई को मरने वाले जराफे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल ना आ सकी। साबिक आईजी इस्लामाबाद आफ्ताब चीमा की दुख्तर जारा आफ्ताब की नमाज जनाजा अदा, जनाजे में सियासी समाजी सहाफती शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा, डीआईजी आईटी जुल्फिकार हमीद जनाजे में शरीक, मियां असलम इकबाल, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी, एडिशनल आईजी फैसल शाहकार भी मौजूद, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच फारूक मजहर,
वजीर जंगलात सप्तैन खान, आरपीओ साहिवाल शारिक कमाल भी शरीक, साबिक वजीर दिफा अहमद मुख्तार, चीफ सेक्रेटरी अकबर दुरानी और अमजद साकिब की भी शिरकत। आलमी तबलीगी जमात के अमीर मौलाना अब्दुल वहाब अलील हो गए। मौलाना अब्दुल वहाब को सांस और सीने की तकलीफ, अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जनरल अस्पताल में आर्थोपैडिक के एडवांस ट्रॉमा मैनेजमेंट कोर्स की इख्तितामी तकरीब, शुरका को ट्रैफिक हादसात में जख्मियों के इलाज मुआवजे के तरीकों से आगाह किया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद तैयब बोले, हादसात में बर वक्त भी इमदाद से जख्मियों को माजूरी से बचाया जा सकता है। एक्सपो सेंटर में बैन अल-अक़वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का दूसरा रोज, 300 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स, ताजिर बरादरी की दिलचस्पी। और छुट्टी के दिन तफरी गाहों में शहरियों का रश, चिड़ियाघर की सैर के लिए आए बच्चे बड़े सभी खुश। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी खूब गहमा गहमी, सोजो वाटर पार्क में नौजवानों और बच्चों का हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती।